हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स, अभी जो बात करने वाले हैं हम यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा वो बैंक निफ्टी की एनालिसिस की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के कौन से कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई करोगे, तो कौन से रेंज पे अगर अपर निकलता है तो आपको बाइंग करना है और सेल करना है, उन सारे लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अभी डाउ जोन्स की बात करते हैं, तो डाउ जोन्स में अभी देखोगे तो ट्रेडर्स 225 पॉइंट के बढ़त के साथ अभी मार्केट में पॉजिटिव इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स के बाद अब चलते हैं इंडियन मार्केट्स में और इंडियन मार्केट को रीड करते हैं कि कल का क्या एक्शन रह सकता है। ट्रेडर्स, अगर ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स अगर पॉजिटिव है तो यकीन माने कि कल इंडियन मार्केट्स के अंदर भी आपको पॉजिटिवनेस देखते हुए मिलेगा। ट्रेडर्स, कल का जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन पर हम हैं और मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो अगर आप देखोगे ट्रेडर्स तो ट्रेंड लाइन एकदम कल का ही ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसको ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ, बस सिर्फ एनालिसिस के समय ही मैं इसको छेड़ता हूँ, अन्यथा नहीं। बाकी मैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैं अपने दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ही देखता हूँ, बस इस ऐप का यूज़ सिर्फ आपको एनालिसिस करने के लिए ही यूज करता हूँ। तो ट्रेडर्स, कल के सत्र में मैंने बोला भी था कि 35,500 के नीचे 36,550 के नीचे निकलता है तो आप 36,500 का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, पुट ऑप्शन बाई कीजिए, या 36,600 का पुट ऑप्शन बाई कीजिए, और साथ में ही बोला था 36,400 का पुट ऑप्शन बाई कीजिए, आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। एग्जैक्ट मार्केट के अंदर एग्जैक्ट ऐसे ही हैपन हुआ है, जैसे ही 36,550 के नीचे निकला है मार्केट ने कभी, और मैंने एक बात और बोला था कि जैसे ही 36,550 के नीचे निकलेगा तो आपको 150 से 200 पॉइंट तक के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। अगर एग्जैक्ट अगर ऐसे ही बोला है ट्रेडर्स तो आप मेरे वीडियो के कमेंट करके बता सकते हो कि क्या ऐसा हुआ या नहीं। मगर अपर साइड में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं मिलने को देखने को मिला, मगर आपको ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको उससे देखकर अंदाजा लगा सकते हो। यहां पर देख सकते हो मैंने बोला था 36,397 जो 36,400 था, फिर बोला था कि मैंने जैसे ही 36,500 के नीचे निकलेगा तो आपको एक तेजी डाउन साइड में एक तेजी देखने को मिल सकता है। तो कल अभी जो करेंट प्राइस है बैंक निफ्टी का 36,471 रुपया अभी करेंट प्राइस है, तो अभी 36,500 के करीब में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 36,500 के करीब है। और कल मार्केट इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा है कि कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है मार्केट्स के अंदर। तो ठीक है ट्रेडर्स, कल के सत्र में क्या करना है कि कल के सत्र में अगर ये आप ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये दोनों ट्रेंड लाइन को देखोगे ट्रेडर्स तो आपको ये देखोगे कि एक समय पर आने के बाद ये एक दूसरे को मीट करता हुआ दिखने को मिल रहा है। तो ट्रेडर्स, कल इसी के अभव अगर मार्केट्स निकलता है तो आपको कॉल ऑप्शन के बाई करना है। 36,500 का बाई करें, 36,600 का बाई करें, 36,700 का बाई करें, जिसको भी बाई करना है बाई करें, आपको पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा ट्रेडर्स, आपको जब बाई कब करना है, जब 36,550 के अभव निकलता है ट्रेडर्स तो आप 36,500 का कॉल ऑप्शन बाई करें, 36,600 और 36,700 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि कल एक तेजी के ही संकेत मिलेंगे। अगर पहला अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर इसके अभव निकलता है तो पहला रेजिस्टेंस आपको जब मिलेगा ना 36,640, एक सेकेंड, कल अगर इसके एवं निकलता है ना तो ट्रेडर्स आपको 36,700 के करीब में आपको जाता हुआ 36,700 और 750, क्योंकि 36,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखनेगा। तो मुझे पहला अगर रेजिस्टेंस अगर कहीं प्राप्त हो रहा है तो 36,700 के करीब है और दूसरा है 36,800 पे, ठीक है। तो आपको इसके एवं निकलता है 36,550 के एवं निकलता है ट्रेडर्स तो यकीन माने कि आपको पहला रेजिस्टेंस जो आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा 36,700 पे, फिर दूसरा है 36,800, अगर उसके बाद भी निकल गया तो फिर सीधे 38,000 पे आपको जाता हुआ 37,000 पे देखने को मिल सकता है ट्रेडर्स, ठीक है। तो 36,550 के अभव निकलता है तो 36,700 और 36,800, और 800 को भी निकल गया तो 37,000 के लेवल को देखने को मिलेगा। अगर नीचे आता है तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ प्राप्त होता हुआ दिखेगा तो 36,400 का जो आपको बनाकर रखा हूँ 36,380 से लेकर 36,400 पे पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट है। नीचे आता है तो 36,325, फिर उसके बाद भी 36,000 और 36,200 नीचे की संभावना बहुत कम है, अपर साइड में ज़्यादा ही दिखने को मिलेगा। मगर किसी कारणवश से मार्केट अगर नीचे के साइड में आता है तो 36,200 से लेकर 220, 36,325 पहला रेजिस्टेंस हुआ, 36,380 से लेकर 36,400 पहला सपोर्ट है, दूसरा है 36,325 का है, फिर उसके बाद 36,200 से लेकर 220 तक, फिर उसके बाद 36,000 का एक सपोर्ट है। तो अगर नीचे गिरता है तो 36,000, सीधी सी बात है, अपर जाता है तो 36,700 और फिर उसके बाद 36,800 और फिर 37,000 है। बाकी ओवरऑल यही बात है कि कल मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है तो नीचे की कम संभावना है। अगर संभावना नीचे आता है तो नीचे अपना लेवल है कल के नीचे, तो अगर नीचे गिरता है तो 36,400 के नीचे अगर आता है तो आप चाहो तो 36,400 का पुट ऑप्शन बाई करो, 36,300 का पुट ऑप्शन बाई करो, 36,500 का बाई करो या 36,200 का बाई करो, आपको पैसा जरूर बनता हुआ देखने को मिलेगा। मगर 36,400 के नीचे आता है तब, अगर आपको जैसे ही 36,550 के अबव जाता है तो 36,500 का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, 36,600, 36,700 का कॉल ऑप्शन बाई करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। चलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कहता है, ये तो टेक्निकल चार्ट था, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कहता है। पीसीआर की वैल्यू
आपको पहले ही बता दिया हूँ, पीसीआर की वैल्यू जब भी मार्केट को रीड करते हो तो पीसीआर की जब भी ऑप्शन ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमेशा आप क्या करो ना, ओपन इंटरेस्ट देखा करो, पीसीआर की वैल्यू देखा करो। जो पुट कॉल रेशियो होता है वो 0.77 है, इसका मतलब एक से कम है। जितना एक से कम होगा आपको मार्केट को डाउन साइड में जाता हुआ देखने को मिलेगा, और आप पुट ऑप्शन में अगर दाव खेलते हो तो आपको पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर एक से ज्यादा है तो वहां पर कॉल ऑप्शन को बाय करोगे तो वहां पर पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ट्रेडर्स चलिए ओपन इंटरेस्ट को रीड करते हैं। ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, तो 36,700 पे देखोगे तो यहां पे सबसे अच्छा कौन न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता हुआ दिखेगा। उसके बाद 36,700 के एबव देखा जाए ना तो कुछ ज्यादा न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिला। अगर नीचे जाते हो तो नीचे भी कुछ ज्यादा एक्शन होता हुआ नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिएगा ओपन इंटरेस्ट से तो ये पता चलता है कि 36,700, और रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाए तो येलो कलर आपको पता ही है, येलो कलर पुट ऑप्शन को और ब्लू कलर कॉल ऑप्शन को इंडिकेट करता है। तो सबसे बड़ा कैंडल इसमें देखोगे ना तो येलो कलर है, येलो कलर रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, पर यहां पर जैसे ही देखोगे ना तो येलो कलर में 20 से 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट में आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज के सत्र में करीबन 17 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिख रहा है, 18 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिख रहा है, जिससे ये आप अनुमान लगा सकते हो कि 20 से एबव जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स थे इसमें, जिसमें 18 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड, इससे ये यकीन मान कर सकते हो कि 36,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ना, जिसे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना, वो रेजिस्टेंस आपको 36,700 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप यकीन माने कि एक जबरदस्त तेजी आपको 37,000 को लेकर जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रेडर्स, ये 36,500 है, 36,500 को कल ये ब्रेक करता है ना तो कल एक तेजी की संभावना रखिए, और मुझे लगता है कि आपको 36,600, और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट्स के अंदर 36,600 के बाद निकलता है ना, तो मुझे ट्रेडर्स लगता है कि कल 37,000 के लेवल को भी टच कर जाएगा, जिस प्रकार ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है, ठीक है। तो कल 36,500 के अबव निकलता है ट्रेडर्स, ठीक है, 36,600 के ट्रेडर्स एबव निकलता है ना तो आप यकीन माने कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं उससे ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट्स को कल 37,000 के लेवल को टच कर देगा, ठीक है। मार्केट एक हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस कहता हुआ दिख रहा है कि कल आपको 37,000 के लेवल को टच करता हुआ देखने को मिल सकता है, ये मेरा ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है। क्योंकि अगर 36,500 के लेवल को देखा जाए तो 36,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग होगा। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर वो नीचे को गिरता है अगर 36,000, पहला पॉइंट हमारा याद रखिएगा, 36,500 के अबव गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ रिट्रेसमेंट होता है 36,500 को करीब आता है, फिर उसके बाद और भी नीचे जाता है 36,500 के नीचे जाकर फिर से अगर ऊपर आकर ब्रेक करता रहता है ना 36,500 को, तो यकीन माने कि वो तेजी आपको 37,000 तक लेकर जाएगा। याद रखिएगा 36,500 के अबव गैप अप ओपनिंग हुए, अगर उसके बाद नीचे आता है, नीचे 36,500 के भी नीचे आ जाए और फिर जाकर 36,500 को ब्रेक कर दिया ना ट्रेडर्स, तो एक बड़ी तेजी की संभावना है। आपको यकीन माने कि वो तेजी आपको 37,000 तक भी ले जा सकता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये रहा कि आपको ठीक 36,400 के करीब में ओपन हो जाए, 36,450 के करीब में, उसके बाद भी इसके अंदर यकीन माने कि एक लंबी तेजी की संभावना बन जाती है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है ना ट्रेडर्स, तो फिर आपको यकीन माने कि वो फिर से पुट ऑप्शन नीचे के साइड में आता हुआ देखने को मिलेगा। मगर अगर ये अपने रेंज पर, अपने लेवल पे ही 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 40 पॉइंट के रेंज में ओपन होकर ना जाता है ना, तो ट्रेडर्स एक अच्छी तेजी की संभावना ऑप्शन चेन एनालिसिस इंडिकेट कर रहा है, मेरे को जैसा लगता है, ठीक है। मगर 36,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर उसके अबव जब तक ट्रेड करता रहा तब तक आपको 36,500 एक सपोर्ट का काम भी करेगा, अगर ऊपर से गैप अप ओपनिंग होता है नीचे आता है तो एक सपोर्ट का भी काम करता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी नीचे का अगर आइएगा, वोलेटिलिटी स्क्यू देखिएगा, तो वोलेटिलिटी स्क्यू में ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट्स के अंदर पेन तो था शुरू में, मार्केट्स के अंदर गिरावट, पर उसके बाद जैसे जैसे नीचे वोलेटिलिटी स्क्यू नीचे आया, इसका यह मतलब हुआ कि मार्केट के अंदर कल एक तेजी की संभावना है, और तेजी की संभावना आपको ये मुझे लगता है कि कल 37,000 तक के लेवल को भी देखने को मिल सकता है ट्रेडर्स। तो आप कल इस स्टॉक के अंदर ये आपको देख रहे हैं 36,400 से लेकर 36,600 तक आपको एक तेजी, एक उथल पुथल देखने को मिलेगा। उसके बाद से कुछ उथल पुथल नहीं था, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा ऐड वगैरह नहीं हुआ है, और 36,500 पे ये करीबन जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं उसका वोलेटिलिटी इसको दिखा रहा है। मगर यकीन माने कि कल इस स्टॉक के अंदर एक तेजी की संभावना बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये मेरा 37,000 तक के लेवल इंडिकेट कर रहा है। कल 36,000 अगर 600 के लेवल को ब्रेक कर दिया ना तो 37,000 के नीचे नहीं मानने वाला है ट्रेडर्स, ये मेरा ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहा है। फिर भी चलिए मार्केट्स के अंदर क्या है क्या नहीं वो तो कल मार्केट्स ही बताएगा, मगर मुझे लगता है कि कल 37,000 तक के लेवल है जो लेवल्स बताया हूं उसके अनुसार से। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद आप सभी।